अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनुस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है रेड आई रिमूवल की। इस तरह की जो सिचुएशन आती है वो ज़्यादातर आती है उस हिसाब से कि अगर जो है आप कोई फ्लैश से पिक्चर लेता है या कोई प्रोफेशनल पिक्चर लेता है तो आपकी आँख पर लाइट पड़ती है तो आपकी आँख उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करती, आपकी आंख का जो रेटिना होता है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इस वजह से ये सिचुएशन पेश आती है। तो ये ज़्यादातर प्रोफेशनल कैमरों में भी पेश आती है, उसके अलावा मोबाइल से भी आप पिक्चर्स लें तो ये सिचुएशन पेश आती है पिक्चर्स में। तो इसको कैसे टैकल किया जाए और कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए तो वो आज क्लास में आपको देने जा रहा हूँ। क्लास में जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के राइट बॉटम पे सब्सक्राइब आ रहा होगा, क्लिक करें इसको, और बेल आइकॉन भी साथ ही आ रहा होगा उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप न्यू बिगनर्स हैं हमारे इस चैनल में तो आपसे यही कहूँगा, मैंने तमाम प्लेलिस्ट साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आपने पिछली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उधर से जा कर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इलस्ट्रेटर आप लोग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जाके उधर से सीख सकते हैं। चलें चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। रेड आई रिमूवल टूल हमारे पास स्पॉट हीलिंग टूल की लिस्ट में ही रेड आई रिमूवल टूल हमारे पास आता है। हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस टूल को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आपके पास कंट्रोल स्पेस दबा के जूम कर लेता हूँ मैं। तो ये आप जब आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही होती है। पिपल साइज़ का क्या मतलब है कि आपने किस साइज़ का ये बनाना है। तो मैं इसको मोस्टली 50% रखता हूँ, तो आप भी इसको 50% रखें। और आपने जो चीज़ मीन्स के अगर क्लियर करना है आँख को तो कितने परसेंट उसमें डार्क होना चाहिए आपने जस्ट ड्रैग करना है इस पर। और ये देखें इसने इसको रिमूव कर दिया है। सिंपल सा टूल है। बैक जाएंगे हम लोग तो आप देख सकते हैं कितना मज़े का इसने वो बना के दे दिया। कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ थी, रेड कितना बुरा लग रहा था वहाँ पे। कंट्रोल जे करके कॉपी ले लेता हूँ। जस्ट हमने इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस तरह किया और हमारा ये रिमूव हो गया। मैं आपको ओरिजिनल दिखाना चाहूँ तो ये देखें, बैक करता हूँ तो ये सिंपल सा टूल। एक और पिक्चर पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक पिक्चर ले लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कंट्रोल जे कर लेता हूँ, जूम करता हूँ मैं तो ये पिक्चर आ गई मेरे पास। मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं दो बार अगर जो है ना अप्लाई सही नहीं हुआ तो दो तीन बार आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल पिक्चर थी और ये हमने रेड आई रिमूवल कर दिया है इसको। तो अगर आप डार्कनेस ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मे कि ये जो ब्लैक डार्क आ रहा है इसको अगर आप ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं फुल इसको रख के, या अपनी मर्ज़ी से जिस तरह अमाउंट आप चाहते हैं। मैं तो यही आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको 50% पे रखें और 50% पे यूज़ करें। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी क्योंकि मोबाइल से आप पिक्चर खींचें या आप कैमरे से खींचें अक्सर अवकात ऐसा होता है, हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं हम लोगों को पता है अक्सर अवकात ऐसा होता है कि आपको ये मसले पेश आते हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका ये है सिंपल सा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स जो भी सीखना चाहते हैं, और हमारे ग्रुप का ज्वाइन करें आर्टिस्टिक मेंटोर के नाम से है फेसबुक पे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो वो भी आप उधर जाके कमेंट करें, मैं आपको फोटोशॉप का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब में उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।